अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब लोग? और कैसी तबीयतें हैं, कैसे मिजाज है? वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को। और सना मुस्तफ़ा कह रही हैं कि सर जी, मैंने आपको मैसेंजर पे मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया, काइंडली रिप्लाई कर। आप सना एक और मैसेज मुझे ड्रॉप कर दो, हो सकता है वो मैसेज रिक्वेस्ट के अंदर आपका मैसेज जो है वो चला गया हो, इसलिए स्किप हो गया होगा। तो एक दफ़ा दोबारा से करोगे तो मुझे नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा, ठीक है? क्लास के बाद मैं देख लेता हूँ उसको भी। कल क्या पढ़े थे पहले इसको बताएं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कल क्या क्या पढ़ा था और किस किस ने प्रैक्टिस किया उसको? आज जो है वो हमने कुछ फंक्शंस पढ़ने हैं, बिल्ट इन फंक्शंस और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो हमने देख लिए थे कि हम खुद से कैसे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। आज कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो पीएचपी हमें प्रोवाइड करती है और उसको फिर यूज़ करके हम जो है वो बहुत सारा काम जो है वो चुटकियों के अंदर कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कोड करना पड़ना था। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो थी वो बार बार एग्जीक्यूट करनी पड़नी थी, लेकिन अब उसकी जो फंक्शंस हैं उनकी मदद से हमें वो कोड बार बार नहीं करना पड़ता। हम एक ही दफ़ा उस कोड को करके रख लेते हैं और फंक्शन को उसके नाम से पुकारते हैं तो वो आ जाता है। और जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनके अंदर तो हमें कोड करना भी नहीं पड़ता, ठीक है? वो ऑलरेडी कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो पीएचपी ने रखी हुई हैं बना के हमारे लिए। हम सिर्फ उनको उनके नाम से पुकारते हैं तो वो पीएचपी की लाइब्रेरी में से जाके सारे का सारा कोड एग्जीक्यूट होता है और उसकी आउटपुट हमें उस जगह पे मिल जाती है। अच्छा जी, कल पढ़ा था अरेज, मल्टी डायमेंशनल अरेज एंड एसोसिएशन, एसोसिएटिव अरेज, ठीक है? एसोसिएटिव एंड मल्टी डायमेंशनल अरेज फॉर ईच लूप। हाँ जी, फॉर ईच लूप जो थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक प्रोग्रामर के लिए, खास तौर पे जब अरेज का इस्तेमाल हो रहा होता है। और अरेज सारी बात है आपकी आसानी के लिए बनाई गई है, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स के नाम याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो उनकी जो है वो जगह पे हम अरेज का इस्तेमाल करते हैं और उन अरेज को देन फिर हम मैनिपुलेट करते हैं फॉर ईच लूप लगा के प्रिंट अंडरस्कोर आर के जरिए, ठीक है? या फिर इको करते हैं किसी एक एलिमेंट को उसके। तो हमने ये भी देखा कि अरेज कैसे बनती हैं, अरेज को हम फॉर ईच के जरिए मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम एसोसिएटिव अरेज के ऊपर चले गए। एसोसिएटिव अरेज क्या होती हैं कि हर एक मेंबर जो उस अरे का हिस्सा है वो जिस इंडेक्स के ऊपर स्टोर्ड है उस इंडेक्स को कोई नंबर असाइन नहीं किया गया, बल्कि उसको कोई नाम जो है स्पेसिफिक नाम उसका रख दिया गया है और हम उसको उसके इंडेक्स नेम से पुकारते हैं। जो भी उसका नाम रखा है, एज रखा है, जेंडर रखा है, सीएनआईसी रखा है या नेम रखा है, तो उसको हम उसके नाम से पुकारते हैं, तो उसके अंदर पड़ी हुई उस इंडेक्स के अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है वो हमें आउटपुट में मिल जाती है। उसको भी हमने फिर देखा कि फॉर ईच लूप के जरिए हमने कैसे मैनिपुलेट करना है कि फॉर ईच में हमें उसकी की भी देनी पड़ती है और वैल्यू भी देनी पड़ती है। देन हमने मूव ऑन किया जी मल्टी डायमेंशनल अरेज के ऊपर, और मल्टी डायमेंशनल में देखा कि मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होती है, कि अरेज विद इन एन अरे आर कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल अरे। तो उसको फिर हमने मैनिपुलेट करने के लिए फॉर ईच के अंदर एक और फॉर ईच लगाई, एक फॉर ईच अपर अरे को मैनिपुलेट कर रही थी और एक जो इंटरनल फॉर ईच थी वो इंटरनल अरेज को मैनिपुलेट कर रही थी, और उनसे हमने वन बाय वन जितनी आइटरेशन थी उस
अरे के अंदर जितने मेंबर्स थे उतनी दफा वो लूप चली, और फॉर ईच लूप की खूबसूरती ये है कि फॉर ईच लूप एग्जीक्यूट्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ दैट अरे, तो हमें फिर खुद से उसकी लिमिट्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ अरे के अंदर मेंबर्स को स्टोर करते जाते हैं, और जितनी दफा जितने मेंबर्स उसको आगे से आगे मिलते जाएंगे अपना पॉइंटर वो आगे से आगे मूव ऑन करती जाएगी, तो उससे ये होगा कि हमें जल्द अज जल्द जो है चीजें जो है वो हमारी क्लियर होती जाएंगी, उतना ज्यादा दफा जो अरे है वो हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ना है, और फिर उसके बाद जो क्लासेस हैं पीएचपी के अंदर जो हम यूज करते हैं, क्लासेस कैसे बनाते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स को आप यूज कैसे करते हैं, इन फंक्शंस को हम क्लासेस के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, फंक्शंस में और क्लासेस में फर्क क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आज हमने डिस्कस करनी है। और आज शायद पीएचपी का आखिरी लेक्चर है, जो 2 दिन बाकी बचे हैं उसको हम जो है वो डेटाबेसेस के लिए वक्फ कर देंगे, और डेटाबेसेस हमने पढ़नी है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर एक बड़ा एक आप कह लें कि आप लोगों के लिए जो सूदमंद चीजें साबित होंगी वो ये होगा कि जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं, सिंपल हम डेटाबेस क्रिएट करने से शुरू करेंगे और रिलेशनल डेटाबेस की तरफ जाएंगे कि किस तरह हम अपने टेबल्स को आपस में रिलेट करके, डेटाबेस के जो टेबल्स हैं उनको आपस में रिलेट करके एक जो है वो म्यूचुअल आउटपुट हासिल कर सकते हैं उन दोनों या तीनों टेबल्स में से। तो इसकी जितनी भी टर्म्स हैं वो हम इंशाल्लाह डेटाबेसेस के अंदर पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ हिस्सा डेटाबेसेस का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम स्टार्ट से चलेंगे कि कैसे एक टेबल बनता है, कैसे उसके अंदर डेटा इंसर्ट होता है, कुछ क्यूरीज शायद आप लोगों को याद होंगी हमने स्टार्ट में पढ़ी थी टेबल क्रिएट करके देखा था, तो अब जो है वो हमने इसको मूव ऑन करना है जरा, और एडवांस लेवल पे इन 2 दिनों के अंदर कोशिश करूंगा कि जरा अगर हमें ज्यादा टाइम के लिए भी पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा के हम डेटाबेस का जो जितना भी सारा सेक्शन है उसको कंप्लीट कर सके। तो अभी आज जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस की बात करेंगे, पहले पहली है जी एडवांटेजेस क्या है हमारे फंक्शंस के, तो इसको जरा देख लें, इन्वॉल्व्स लेस टाइपिंग, सारी बात है एक कोड जो हमने 4-5 स्टेटमेंट्स थी वो हर एक एंटिटी के लिए चलानी थी या फिर हर एक स्टूडेंट के लिए एग्जीक्यूट करनी थी, अब हमने उसको एक दफा लिख के रख लिया और हर दफा 4 दफा चलाएं 5 दफा चलाएं बेशक 1000 दफा चलाएं आप उनको सिर्फ उसके नाम से पुकारेंगे, उसका नाम लिखेंगे तो सारी बात है टाइप कम करना पड़ेगा, जब आपका टाइप कम करना पड़ेगा चीजों को आपको कोड कम टाइप करना पड़ेगा तो उससे क्या होगा जो आपका सिंटेक्स एरर है और प्रोग्रामिंग एरर है वो कम हो जाएगा, जितना कम कोड होगा उतना ज्यादा आपके जो एरर के चांसेस हैं वो भी कम होते जाएंगे, ज्यादा लंबा कोड होगा तो एरर फाइंड करना भी मुश्किल होगा और ज्यादा एरर्स भी आएंगे, डिक्रीज द लोडिंग टाइम ऑफ द प्रोग्राम, जाहिर बात है कि आपके जो लोडिंग टाइम है जितना कोड कम होगा उतना उस प्रोग्राम को लोड करने में पीएचपी को जो है वो आसानी होगी, डिक्रीज द एग्जीक्यूशन टाइम बिकॉज ईच फंक्शन इज कंपाइल्ड ओनली वंस नो मैटर हाउ ऑफन यू कॉल्ड इट, वो कहता है जो फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती है ना वो एक दफा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो स्टार्ट के अंदर ना वो उसकी एग्जीक्यूशन तैयार करके सारी की सारी एग्जीक्यूशन करके उसकी आउटपुट को सेव करके कहीं रख लेते हैं, और जब भी आप उसको कॉल करते हैं वो दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होता बल्कि वो एग्जीक्यूटेड फॉर्म के अंदर ही आपकी आउटपुट जो है वो आपको मिल जाती है, इसका मतलब एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो भी हमारा कम हो जाएगा इन फंक्शंस को इस्तेमाल करके, एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स एंड कैन देयरफॉर बी यूज्ड फॉर जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक केसेस, हमने पढ़ा था कि हम इन फंक्शंस को पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, तो पैरामीटर पास करके हम ये है कि उनको जनरली यूज कर रहे हैं, जनरली यूज कर रहे हैं बेशक हम स्पेसिफिक केसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी फलां के नंबर इतने हैं फलां के नंबर इतने हैं, तो उनके स्पेसिफिक केसेस बन जाते हैं और उनकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, तो इस वजह से जो है वो हम इनका इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर सकते हैं, तो ये कुछ 4-5 उसने फीचर्स बताए हैं फंक्शंस के, एडवांटेजेस हैं इनको देख लीजिएगा, और उसके बाद ये इंट्रो है सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का, इसको जरा डिटेल में हम बाद में पढ़ते हैं, ये 2 लाइनें लिखी हैं इसको पढ़ लें बस, बाकी मैं इंशाल्लाह आगे समझाता हूँ इसको कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं क्लासेस क्या होती हैं। ऑब्जेक्ट्स टेक्स दिस कॉन्सेप्ट एज अ स्टेप फर्दर, एन ऑब्जेक्ट इनकॉर्पोरेट्स वन और मोर फंक्शंस एंड डेटा दे यूज इनटू अ सिंगल स्ट्रक्चर कॉल्ड अ क्लास, वो कहता है एक क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो जिस क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, मतलब एक क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस को इस्तेमाल करके आप लोग
उसका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो फंक्शन सारे के सारे उसके अंदर एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी ये हो जाएगी कि उसके अंदर ये फंक्शन है, उस ऑब्जेक्ट का ये काम हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के ये मेथड्स कहलाएंगे। ठीक है, इसको मैं जरा डिटेल के अंदर बाद में आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, तो पीएचपी के कुछ बिल्ट इन फंक्शन हैं। सबसे पहले तो वो जी है पीएचपी इन्फो का फंक्शन है। आप मैं यहाँ पे जरा सर्विस स्टार्ट करके साथ साथ कोड भी कर लें। तो पीएचपी इन्फो का फंक्शन क्या करता है, आपको जो है वो सारे का सारा जो स्टार्ट कर लें जी। चलो भाई, अच्छा ये वो वाली इंडेक्स डॉट पीएचपी तो नहीं है ये तो कल। हाँ ठीक है, ये कोई और कोड कर रहा था मैं। क्यूआर कोड जो मैंने आपको बताया था ना, क्यूआर ओशन वाली जो वेबसाइट थी, ये उसकी इंडेक्स डॉट पीएचपी है। मैं उसी फाइल को ओपन करता हूँ जिसके अंदर हम कोड कर रहे थे, batch10 और इंडेक्स डॉट पीएचपी। ठीक है, सर्विसेज स्टार्ट कर चुके हैं हम। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं लोकल होस्ट स्लैश batch10 और इंडेक्स डॉट पीएचपी। अच्छा जी, ये हमने कल जो है वो कुछ जो हमने मल्टी डायमेंशनल और एसोसिएटिव मल्टी डायमेंशनल अरे बनाई थी, ये उसका कोड है। इसको अभी हम फिलहाल जो है वो डाई कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन लिखते हैं पीएचपी इन्फो का, सिंपल बस पीएचपी इन्फो का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है, आपको सारे की सारी सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, सर्वर सर्वर का जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी ला के दे देता है कि उसका पीएचपी का वर्जन कौन सा है, सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है, कब जो है ये बिल्ड किया गया था। ये आमतौर पे इस्तेमाल तो नहीं किया जाता, लेकिन जब आप सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हो तो कभी कभी इनमें से कुछ चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है। देख रहे हैं रिक्वेस्ट यूआरआई कौन सा है, batch10/index.php। ठीक है, फिर इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब देखें, ये पीएचपी इन्फो का एक छोटा सा फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, जिसने ये सारी की सारी आउटपुट ला के आपके सामने खड़ी कर दी है। हमने ये सारी चीजें डिवेलप तो नहीं की ना, ये सारी चीजें अब पीछे जो है इसका कोड जो है वो लिखा जा चुका है पीएचपी की लाइब्रेरी में। जब हम इस फाइल को .php के एक्सटेंशन से सेव करते हैं तो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करके ये सारे का सारा काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद और कुछ फंक्शंस हैं उनको देख लें जो हमारे काम के होंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इको करवा रहा है वो str रिवर्स, इसको क्या बोलेंगे str रिवर्स, मतलब स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए ये एक फंक्शन जो है वो यूज किया जाता है। और इसके अंदर जो भी आप लिख देते हो, आप जो भी स्ट्रिंग डालोगे ये उसको उल्टा करके लिख देगा। मतलब अगर ये उसने हेलो वर्ल्ड उल्टा करके लिखा है ना, str रिवर्स का फंक्शन उसको जरा सीधा कर देगा, ठीक है, रिवर्स कर देगा स्ट्रिंग को। तो आप लोग भी इसको करके देख लें यहाँ पे, अगर मैं इको करवा रहा हूँ इसकी आउटपुट को। अच्छा इको क्या करवाना है जी, str रिवर्स, str रिवर्स का फंक्शन है और आगे हमने उसका स्ट्रिंग देना है। स्ट्रिंग जो देना है वो हम डबल कोट के अंदर देते हैं, ठीक है, वर्ल्ड स्पेलिंग क्या होते हैं वर्ल्ड के, उल्टा करके लिखना हो अगर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम पहले डी लिखेंगे, फिर एल, फिर आर, फिर ओ, फिर डब्ल्यू, फिर स्पेस और OLLEH, ये मैंने उल्टा करके लिख दिया यहाँ पे। तो str रिवर्स ने क्या किया, str रिवर्स उसको क्या कर देगा, वो दोबारा से सीधा करके हेलो वर्ल्ड को लिख देगा, ये लिख रहा, ठीक है। तो रिवर्स किसी भी स्ट्रिंग को उल्टा करके हेलो वर्ल्ड जो है वो लिख सकता है। आप इसको जरा कैपिटल कर लें, हेलो वर्ल्ड। लो जी, तो ये याद रखने हैं फंक्शंस मैंने आज इन्हीं में से एक छोटी सी असाइनमेंट भी देनी है। str रिवर्स ने हमें जो है जो भी हमने इसको टेक्स्ट दिया उसने उसको सीधा कर दिया। अच्छा फिर उसके बाद अगर मैं ये वाला टेक्स्ट इसको देता, तो फिर क्या करेगा ये, इसको उल्टा कर देगा।
ठीक है, तो हर एक टेक्स्ट को जो है वो उल्टा सीधा करने के लिए एसटीआर रिवर्स का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलें आप, फिर उसके बाद है एसटीआर रिपीट, एसटीआर अंडरस्कोर रिपीट, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। और आप अगर एक वर्ड को 10 दफा रिपीट करवाना चाहते हैं तो आप इसके जरिए रिपीट करवा सकते हैं। जैसे मैं इको करवा रहा हूँ, नीचे इको करवाया क्या, एसटीआर अंडरस्कोर रिपीट, ठीक है। अब ये देखें मैंने रिपीट लिखा तो उसने ऑटोमेटिकली दो चीजें बता दी हैं कि पहले एक तो इनपुट दो यहाँ पे कि क्या आपने जो है वो इनपुट देनी है, मतलब किस आप स्ट्रिंग को जो है वो रिपीट करवाना चाहते हो। मैं लिखता हूँ हिप, और मल्टीप्लायर का मतलब कितनी दफा रिपीट करवाना चाहते हो, मैं कहता हूँ 2 दफा रिपीट कर, ठीक है। वापिस आए, इसको रिफ्रेश किया, ले जी ठीक है, हिप हिप को उसने 2 दफा लिख दिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस भी डाल देता हूँ ताकि दोनों में जरा छोटी सी स्पेस आ जाए। उसके बाद आगे चलें, एक और फंक्शन है हमारे पास एस टी आर टू अपर। एस टी आर टू अपर क्या करता है, जो भी आप उसको इनपुट देते हो वो उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कर लेते हैं इको एस टी आर टू अपर, और आगे हम उसको स्ट्रिंग देंगे। तो हमने उसको स्ट्रिंग जो है वो ये दे दिया, ले तो हेलो वर्ल्ड, हिप हिप हो रहे हैं। हमने 3 फंक्शन यूज किए हैं, इसको जरा सीधा करके लिखा है एस टी आर रिवर्स के फंक्शन से, इसको हमने रिपीट करके लिखा है 2 दफा, और इसको हमने जो है वो कैपिटलाइज करके लिखा है हिप हिप हो रहे, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो चीजें हैं हम इन फंक्शंस को इस्तेमाल करके अपने स्ट्रिंग के ऊपर, अपनी वैल्यूज के ऊपर चीजों को अपनी मर्जी से लेके चल सकते हैं। इसी तरह अगर एस टी आर टू अपर है तो मैं यहाँ पे निचली लाइन के अंदर इको करवाता हूँ एस टी आर टू लॉयर। तो एस टी आर टू लॉयर का भी एक फंक्शन है, उसको हम जो है वो कोई लेट सपोज मैं उसको ये मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया जिसके पहले 4 लेटर जो है वो कैपिटल, एंड वाले 3 लेटर जो है वो स्मॉल है, विलियम दे दिया मैंने, ठीक है। एस टी आर टू लोअर को, तो निचली लाइन में वो विलियम को जो है वो स्मॉल करके लिख रहा है, और सारे के सारे जितने भी लेटर्स थे उसके उसने उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट नहीं किया बल्कि लोअर केस के अंदर हमें उसकी आउटपुट जो है वो दे दी। यहां तक चीजें क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं? कितने फंक्शंस पढ़ लिए, एस टी आर रिवर्स, एस टी आर रिपीट, एस टी आर टू अपर और एस टी आर टू लोअर। ये उसने उसकी जो है वो बताई है फंक्शंस कैसे, जी जनरल सिंटेक्स क्या है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फंक्शन का कीवर्ड आता है, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं हम, और फिर उसके बाद कोई पैरामीटर्स होते हैं तो वो लिखते हैं, और फंक्शन की बॉडी जो है वो चल जाती है। The first line of the syntax indicates the following. A definition starts with the word function. A name follows which must start with a letter or underscore followed by any number of letters, numbers or underscore. ये भी हम rules पढ़ चुके हैं इसके। The parentheses are required one or more parameters separated by commas are optional. चाहें तो कर लें, नहीं चाहें तो ना। ठीक है जी, फिर उसके बाद हाँ ये पढ़ लें जरा इसको। एस टी आर टू लोअर का फंक्शन लगाया उसने ये इस इतनी बड़ी स्ट्रिंग को, जो भी उसका जवाब आया ना उसने डॉलर साइन लोअर के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर आउटपुट करवा दिया। द आउटपुट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज एज फॉलोज, इको करवाया लोअर, तो सारे के सारे जितने भी लेटर्स थे अब देखें स्मॉल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। लेटर्स का एल कैपिटल था, पंक्चुएशन का पी कैपिटल था, अब छोटा हो गया, वॉन्ट पूरे का पूरा कैपिटल था, और वॉन्ट अब जो है वो सारे का सारा अब जो है वो क्लियर हो गया। अच्छा, एक और फंक्शन है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो फंक्शन है मैं यहाँ पे लिखूँ अगर उसको, वो फंक्शन है यूसी फर्स्ट। यूसी फर्स्ट स्टैंड्स फॉर अपर केस फर्स्ट लेटर, यू फॉर अपर, सी फॉर केस फर्स्ट का मतलब फर्स्ट लेटर, जो भी आप इसको लेटर दोगे ये उसको उसका जो पहला लेटर है उसको कैपिटलाइज कर देगा। लेट सपोज मैंने इसको बोला एच पी एन आर वाई, हेनरी उसको मैंने दिया, ठीक है, इसके अंदर जरा स्पेस डाल दें, ठीक है।
इको यूसी फर्स्ट का एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, उसको मैं हेनरी का एक स्ट्रिंग दे दिया और मैंने उसे बोला यूसी फर्स्ट, इसका फर्स्ट लेटर तुमने कैपिटल करना है। नहीं जी, हेनरी का जो एच था अब उसने कैपिटल कर दिया, ठीक है। अच्छा अब पता क्या है, अब मैं आपको एक इनपुट दे रहा हूं, इनपुट है इनपुट ये सेम ऐसी ही इनपुट आपने लेनी है जिसका डब्ल्यू जो है छोटा होगा, आई जो है वो कैपिटल होगा, एल दोनों कैपिटल होंगे, लास्ट पे एम को भी कैपिटल करना है। ये इनपुट आपने लेनी है और इसकी जो यहां पे मैं लिख देता हूं, इसकी जो आउटपुट आनी चाहिए आनी चाहिए ये जो सही आउटपुट है कि W सिर्फ कैपिटल हो बाकी सारे के सारे जो है वो स्मॉल हो। ये आपने जो काम करना है ना, ये वन लाइनर कोड है, वन लाइनर कोड, इस एक लाइन के अंदर आपने ये सारे का सारा काम करना है। जल्दी करें, यही आपकी अभी की असाइनमेंट है और ये अभी अभी करनी है आपने। चलो जरा शाबाश। ये इनपुट देनी है ठीक है, और ये उसकी आउटपुट आनी चाहिए, और यही सारे के सारे वो फंक्शंस हैं जो इस्तेमाल होने हैं इतने से काम करने को, ठीक है, और एक ही लाइन में करना है। जल्दी करो जरा। लगता है लैपटॉप नहीं खोले आज, है ना? क्यों डिले करते हो भाई? अच्छा जी, सना ने लिखा है इको करवाओ यूसी फर्स्ट, ठीक है, और आगे वो इनपुट जो मैंने दी थी, तो मैं यहाँ पे वो इनपुट दे देता हूँ। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं। इसके अंदर भी जरा स्पेस डाल ले, एक स्पेस को ये जो है वो दिखा देता है। लो जी, ये आउटपुट आ रही है आपकी सना, लेकिन मैंने आउटपुट जो बोली है वो आनी चाहिए ये कि सिर्फ W कैपिटल हो, बाकी चीजें जो है वो कैपिटलाइज ना हो, ठीक है। इनपुट वही दी है जो सेम वही थी, आपने बोला कि इको करवा दे यूसी फर्स्ट, मैंने कर दिया, उसने W को तो कैपिटल कर दिया, लेकिन ये बाकी का क्या करें, मतलब उनको कैसे हैंडल करें, ये भी करो। चलो चलो चलो, शाबाश, जल्दी जल्दी। बाकी सब लोग कितने हैं भाई? अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, इतना लंबा काम तो नहीं था।
उस वाले लिखा है इको, यूसी फर्स्ट और विलियम। विलियम के सारे लेटर स्मॉल दे दिए। मैंने आपको बोला था ये वाली इनपुट देनी है, एग्जैक्ट ये ही इनपुट आप देंगे तो फिर ये आउटपुट लेके आनी है। ये इनपुट नहीं चलेगी जो आपने दी है उस वक्त, इसको चेंज करें और सेम वही इनपुट दें जो मैंने बताया आपको। चलो भी, चलो शाबाश। हाँ जी, शाहजेब ने कुछ मेहनत की है और शाहजेब ये कर रहे हैं कि इको एसटीआर टू लोयर, और उसके अंदर वो इनपुट दिया है, पहले लोयर के अंदर कन्वर्ट किया है और इको कर रहे हैं यूसी फर्स्ट विलियम। लेकिन एक चीज भी मैंने ये लिखी थी यहाँ पे, वो थी वन लाइनर कोड। ये टू लाइन होगी, दो सेमी कॉलन लग रहे हैं आपके, ठीक है? एक लाइन में करके देखो, अब जरा ट्राई करो। लॉजिक आपकी ठीक है लेकिन इसको एक लाइन में ट्राई करो। और अगली लाइन में देखो ना, आप यूसी फर्स्ट जो कर रहे हो जिसको, वो इनपुट नहीं है, मतलब जो मैंने दी है, ठीक है? या तो फिर इनपुट एक ही दफा देते होते हैं ना, दो दफा तो नहीं देते। आपने एसटीआर टू लोअर में एक दफा इनपुट दे दी, फिर उसके बाद यूसी फर्स्ट में और दे रहे हो। सर, एसटीआर टू लोअर को वेरिएबल में रखना था। हाँ जी बिल्कुल, उस वेरिएबल को यूसी फर्स्ट को देना था, ठीक है? फिर भी वो दो तीन या चार लाइंस का कोड जो है वो बन जाता है। तो अगर आप इसको वन लाइनर कोड बनाना चाहते हो तो वो कैसे करोगे ये बताओ। ट्राई करो ना, खुद से भी कुछ चीजें जो है वो ट्राई करने की कोशिश किया करो। एरर ही आएगा ना ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा, उसको जो है वो हम हल कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। बाकी सब लोग, क्या मुश्किल लग रहा है, समझ नहीं आया तो बताओ मुझे, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। सिर्फ अभी दो तीन लोगों का कमेंट आया। यहीं पर रहना है, आगे नहीं चलना आज? मैं तो नहीं आगे जाऊंगा जब तक ये करके नहीं दिखाओगे। तो सिंपल सी एक लॉजिक है, वो आप लोगों से नहीं बन रही, बल्कि लॉजिक तो क्लियर भी कर दिया, शाहजेब ने बता भी दिया। अब मसला तो सिर्फ ये है कि उसको वन लाइनर कैसे बनाना है आपने। बाकी सब लोग किधर हैं? ये अली रजा है हमारे पास, फिर उसके बाद मोहम्मद इमरान है, हिरा महफूज, हिना रमजान, फहद सरवर, यानी कि फिर मुझे ही करना पड़ेगा एंड पे। है सर, लैपटॉप पर FB लोड नहीं होती, तो उसका फेसबुक से क्या ताल्लुक है? अच्छा, उस पर टाइम लग रहा है। ठीक है जी, आप मोबाइल पे देख लो कोड, साथ साथ जो है वो इसके ऊपर कर लो, ठीक है? लैपटॉप पे चलें। बहरहाल मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए। मैं ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले इको कर रहा हूँ, ठीक है? इको के अंदर मैं पहला फंक्शन लिख रहा हूँ यूसी फर्स्ट का। यूसी फर्स्ट करना है किसी स्ट्रिंग को, लेकिन मैं स्ट्रिंग की बजाय कोई फंक्शन भी इसको दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसटीआर टू लॉयर, उसको मैं स्ट्रिंग दूंगा। कौन सी स्ट्रिंग? ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये स्ट्रिंग दी मैंने। हेलो, बस इतना सा काम। अब क्या होगा, सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट है, इसको एसटीआर टू लोअर का फंक्शन लगेगा। ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं
ये लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके पास जो आउटपुट आएगी यूसी फर्स्ट के पास, वो सारी लोअर केस के अंदर कन्वर्ट होके आएगी। फिर उसके बाद यूसी फर्स्ट क्या करेगा, उसके पहले लेटर को कैपिटल कर देगा। बस इतना सा काम था जो उतनी देर से बैठे हुए सारे लोग। इधर आओ जी, यहाँ पे हम आते हैं। तो अब ये देखें हमारे पास जो आउटपुट आ रही है ये है उसकी, ठीक है। ये ऊपर की है ना, इसको इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको कमेंट कर दें, मुझे किसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो ये है। डब्ल्यू सिर्फ कैपिटल है और बाकी उसने सारों को स्मॉल कर दिया। तो एक ही साफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ठीक है। एस टी आर टू लोअर किया और इसको हमने पहले स्मॉल कर दिया, इसका एल भी स्मॉल, आई भी, और इसका एम भी स्मॉल किया। उसके बाद फिर हमने यूसी फर्स्ट उसको लगाया, तो डब्ल्यू जो था वो उसका कैपिटल कर दिया। जीशान साहब, यूसी वर्ड्स जो है वो और फंक्शन है, ठीक है, और यूसी फर्स्ट जो है वो एक और फंक्शन है। हाँ जी, कॉन्कैटिनेशन से भी हो सकता है, जैसे शाहजेब ने किया है कि यूसी फर्स्ट अलग से डब्ल्यू को लगा दिया और एस टी आर टू लोअर जो है वो उसको लगा दिया। ठीक है जी, सही है। चले, तो इस तरह की छोटी छोटी सी चीजें खुद से भी प्रैक्टिस कर लिया करें। इन ये जो फंक्शंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनको साथ साथ इस्तेमाल करके आप लोग खुद से काम कर सकते हैं। तो जी, यूसी फर्स्ट हो गया, फिर उसके बाद और क्या चीजें हैं जी। ये अगर इसका ये उसने जो है वो बताया कि 5 माइनस 8 जो है वो 3 माइनस 3 आ जाएगा, एब्सोल्यूट का फंक्शन उसको +3 कर देगा और प्रिंट जो है वो उसको उसको आउटपुट के अंदर शो करवा देगा। इवेलुएट 5 माइनस 3, पीएचपी इज डूइंग सेवरल थिंग्स इन एग्जीक्यूटिंग दैट शॉर्ट स्टेटमेंट। एक छोटी सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए पीएचपी क्या कुछ नहीं करती, कि पहले 5 माइनस 8 करती है, -3 आता है, फिर एब्सोल्यूट का फंक्शन -3 को +3 कर देता है, फिर कन्वर्ट करता है रिजल्ट टू अ स्ट्रिंग एंड आउटपुट इट्स यूजिंग प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो प्रिंट का फंक्शन जो है वो उसको आउटपुट के अंदर शो करवाता है। अच्छा जी, ये एक अच्छी एग्जाम्पल है सेम उसी चीज की जो हम अभी करके हटे हैं, कि आप जो है वो सबसे पहले एक फंक्शन बनाए, यहाँ से इस लाइन से आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। फंक्शन क्रिएट किया, उसका नाम रखा फिक्स अंडरस्कोर नेम्स, उसको 3 पैरामीटर्स दे दिए, n1, n2 और n3, ठीक है। अब नीचे क्या किया, n1 के अंदर आपने जो है वो वही चीज यूसी फर्स्ट एस टी आर टू लोअर n1 स्टोर होगा, जो भी आप उसको फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे n1 के अंदर जो भी स्टोर करवाओगे वो उसको पहले एस टी आर टू लोअर के अंदर कन्वर्ट करेगा और यूसी फर्स्ट उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल कर देगा। फिर सेम इसी तरह n2 के लिए और फिर सेम इसी तरह n3 के लिए। बाद में उसको इको करवा लो, रिटर्न करवा लो, तो उसको जब आप कॉल करोगे फंक्शन को, इको फिक्स नेम्स को विलियम हेनरी और गेट्स, ठीक है। तो ये चीजें जब आप उसको पकड़ाओगे फंक्शन को कॉल करोगे, तो विलियम सारे का सारा कैपिटल था, एस टी आर टू लोअर ने उसको सारे के सारे को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट किया और यूसी फर्स्ट ने विलियम का डब्ल्यू कैपिटल कर दिया। हेनरी सारा स्मॉल था, गेट्स के अंदर मिक्स्ड आ रही थी, कुछ कैपिटल लेटर्स थे कुछ स्मॉल थे। तो सेम उनके साथ भी यही रवैया जो है वो इख्तियार किया जाएगा, ठीक है जी। ये भी हो गया। और कोई चीज ये देख लें इसको जरा, सेम वही तरीके हैं। A1, A2, A3, और यहाँ पे आप लोगों को याद है ये एंड हम क्यों लगाया करते थे पैरामीटर पास ऑन करते हुए, ये जो एंड का साइन है ये क्यों लगता था, कोई बता सकता है, कौन बताएगा कि एंड का साइन क्यों लगाया करते थे? रीकैप है, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। मुझे एंड के साइन के बारे में बताएं, फिर उसके बाद ये इसको खत्म करके क्लासेस के ऊपर मूव ऑन करना है। ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट इसकी रह गई हैं, उसको हम चलते हैं फिर आगे लेके। फंक्शन को कॉल करते हुए जब हम वेरिएबल को पास करते थे तो एंड का साइन क्यों लगाते थे? अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, एक दो लेक्चर पहले ही ये हमने जो है वो पढ़ा है।
शाह साहब कह रहे हैं रेफरेंस वैल्यू, और कोई अपनी इनपुट देना चाहता है तो बता दे कि क्या होता है एंड साइन क्यों लगाते हैं हम पैरामीटर्स को पास ऑन करते हुए। वैल्यू पास बाय रेफरेंस, सना गुलनाज पास बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू, इस इन दोनों में क्या फर्क होता है पहले ये बताएं फिर चलते हैं आगे। पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू में क्या डिफरेंस क्या है, जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश, 2 मिनट लगते हैं यार कमेंट टाइप करते हुए आप लोगों को। अगर गूगल से नहीं देखोगे खुद से लिखोगे तो जरा जल्दी हो जाएगा, बेशक गलत गलत बताओ लेकिन कम से कम आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत जरूरी है क्लास के अंदर। पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू दोनों में क्या फर्क है, जल्दी 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 एक एक लाइन के अंदर कमेंट करना है, एक दफा पास बाय वैल्यू और एक दफा पास बाय रेफरेंस। अच्छा जी, इकरा अकरम है और वो कह रही है कि पास बाय रेफरेंस है जी टू क्रिएट चेंज एट लोकेशन। अच्छा जी, पास बाय वैल्यू में वैल्यू पास होती है और पास बाय रेफरेंस में लोकेशन। ठीक है, पास बाय वैल्यू में कॉपी एंड क्रिएट चेंज, वेरी गुड। चल ठीक है, अच्छा अब आ जाए जरा अगले टॉपिक की तरफ। वो है जब हमने आपस में फाइल्स को लिंक करना होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि हेडर की फाइल अलग हो, फुटर की फाइल अलग हो और इंडेक्स की फाइल जो मेन फाइल होती है वो अलग हो, और मैं हेडर फुटर साइड बार इन सब की फाइल्स को मैं अपनी जो मेन फाइल है इंडेक्स डॉट पी एच पी इसके अंदर कॉल कर लूँ और ऐसा ही लगे कि पहले ऊपर जो है वो फुट हेडर है, फिर नीचे बॉडी है, उसके साइड पे साइड बार है, उसके नीचे जो है वो लास्ट पे फुटर। तो उसके लिए जब हमने कुछ फाइल्स को आपस में कनेक्ट करना होता है, लिंक करना होता है, आप लोगों को शायद याद होगा हमने HTML की फाइल को एक्सटर्नल CSS की फाइल के साथ लिंक किया था। हेड के टैग के अंदर एक लिंक का टैग लगता था और उसके अंदर हम style.css लिख के HTML फाइल को लिंक कर लिया करते थे अपनी CSS फाइल के साथ। तो उसी तरह की लिंकिंग है ये कि आपको ऐसा लगता है कि शायद वो हेडर का कोड अलग से नहीं किया गया बल्कि इसी के अंदर जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो की गई। तो एज यू प्रोग्रेस इन योर यूज ऑफ PHP प्रोग्रामिंग यू आर लाइकली टू स्टार्ट बिल्डिंग अ लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस दैट यू थिंक यू विल नीड अगेन। यू विल ऑल्सो प्रोबेबली स्टार्ट यूजिंग लाइब्रेरीज क्रिएटेड बाय अदर प्रोग्रामर्स। देर इज नो नीड टू कॉपी एंड पेस्ट दीज फंक्शंस इनटू योर कोड, यू कैन सेव देम इन सेपरेट फाइल्स एंड यूज कमांड्स टू पुल देम इन। वो कहते हैं आप उसको अलग से एक फाइल के अंदर बना के रख लें जो आपने बार बार हो सकता है किसी और वेबसाइट के लिए भी यूज करनी हो, तो आप सिंपल उनको अपनी मेन फाइल के साथ लिंक कर लें। देर आर टू टाइप्स ऑफ कमांड टू परफॉर्म दिस एक्शन, इंक्लूड एंड रिक्वायर, दो तरीके हैं और उन वो तरीके क्या करते हैं देखें। Using include, you can tell PHP to fetch a particular file and load all its contents.
इट्स एज इफ यू पेस्टेड द इंक्लूडेड फाइल इनटू द करंट फाइल एट द इंसर्जन पोजीशन। कहता है इंक्लूड कर लो लाइब्रेरी डॉट पी एच पी। अब लाइब्रेरी डॉट पी एच पी कोई फाइल थी, उसको मैंने अपनी इस फाइल के अंदर इंक्लूड कर दिया, नीचे मेरा सारे का सारा कोड है। अब इंक्लूड डॉट, ये जो लाइब्रेरी डॉट पी एच पी थी उसको इंक्लूड करने की वजह से क्या हुआ, उस लाइब्रेरी डॉट पी एच पी के अंदर जितने फंक्शंस थे, जितने वेरिएबल्स क्रिएटेड थे, वो सारे के सारे वेरिएबल्स अब मुझे अपनी मेन फाइल के अंदर मौजूद है, मैं उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन इसका एक नुकसान है, इंक्लूड लाइब्रेरी डॉट पी एच पी का एक नुकसान है। नुकसान क्या है, इस इंक्लूड करने से क्या होगा, अब मैंने एक फाइल इंक्लूड की लाइब्रेरी डॉट पी एच पी, उसी से अगले स्टेप के अंदर ना मैंने एक और फाइल इंक्लूड कर ली, उसकी भी मुझे जरूरत थी। हुआ ये कि इंक्लूड ने क्या किया, यहाँ पे इंक्लूड वंस ने एक और स्टेटमेंट है इंक्लूड वंस, उसमें और इंक्लूड में क्या फर्क है, एक एक फाइल को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ और एक फाइल को मैं इंक्लूड वंस कर रहा हूँ। अब ये जो लाइब्रेरी डॉट पी एच पी थी, ये मेरी उसके अंदर जो था वो पहले मैं इस फाइल को जो है वो कॉल कर चुका हूँ। अब मैंने अगले स्टेप के अंदर एक और फाइल इंक्लूड की, अब उस फाइल के अंदर भी कुछ फंक्शंस ऐसे थे, कुछ वेरिएबल्स ऐसे थे जो इस लाइब्रेरी डॉट पी एच पी में ऑलरेडी मौजूद थे। अब मैं जब नई फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ तो वो उस नई फाइल के अंदर भी वही फंक्शंस, वही वेरिएबल्स क्रिएटेड है, और जब मैं किसी वेरिएबल को रीडिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो पी एच पी एक बड़ा सा एरर मुझे शो करवा देती है कि भाई साहब यू आर ट्राइंग टू रीडिफाइन दिस वेरिएबल इज ऑलरेडी डिफाइंड। अब उससे बचने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि जिस फाइल को, जिन वेरिएबल्स को, जिन फंक्शंस को, जिन चीज़ों को मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ वो दोबारा से इंक्लूड ना हो, उसके लिए, उससे बचने के लिए मैं इंक्लूड की बजाय इंक्लूड वंस का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। ईच टाइम यू इशू द इंक्लूड डायरेक्टिव इट इंक्लूड्स द रिक्वेस्टेड फाइल अगेन। कहता है आप बेशक इंक्लूड लाइब्रेरी डॉट पी एच पी है ना, इसके नीचे यही यही स्टेटमेंट दोबारा लिख दोगे ना इंक्लूड लाइब्रेरी डॉट पी एच पी, तो लाइब्रेरी डॉट पी एच पी दोबारा से इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इंक्लूड की बजाय इंक्लूड अंडरस्कोर वंस लिखा हुआ होता तो लाइब्रेरी डॉट पी एच पी एक दफा एम्बेड हो जाएगी, अगली दफा वो आपको एरर देगा कि भाई साहब आप इस फाइल को ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, अब आपको इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंक्लूड में ऐसा नहीं था, उसने कर देनी है बगैर किसी एरर के, उस बगैर कोई मैसेज शो करवाए, कोई नोटिफिकेशन, कोई वार्निंग शो करवाए, उसने मेरे वेरिएबल्स को रीडिफाइन, फंक्शंस को रीडिफाइन करना शुरू कर देना है। ईच टाइम यू इशू द इंक्लूड डायरेक्टिव इट इंक्लूड्स द रिक्वेस्टेड फाइल अगेन even if you have already inserted it. For instance, okay, the example name. Suppose that library.php contains a lot of useful functions. So you include it in your file, but also include another library that includes library.php. Okay, the एक और फाइल आपने इंक्लूड की, उसके अंदर भी library.php के सारे कॉन्टेंट्स जो थे वो मौजूद थे। Through nesting, you have inadvertently included library.php twice. कहता है आपको पता भी नहीं चला और आपने दो दफा लाइब्रेरी डॉट पी एच पी को अपनी मेन फाइल के अंदर इंक्लूड कर लिया। दिस विल प्रोड्यूस एरर मैसेजेस बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डिफाइन द सेम कॉन्स्टेंट और फंक्शन मल्टीपल टाइम्स, सो यू शुड यूज इंक्लूड अंडरस्कोर वंस इंस्टेड इंक्लूड। ठीक है, तो इंक्लूड अंडरस्कोर वंस करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो आपको एक एरर मैसेज शो करवाएगा, देन व्हेनेवर अनदर इंक्लूड और इंक्लूड वंस इज एनकाउंटर्ड इट इफ इट हैज ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड इट विल कंप्लीटली इग्नोर्ड, वो उसको इग्नोर करेगा और आपको कहेगा कि भाई साहब नहीं, बस इससे आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप इसको ऑलरेडी अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड कर चुके हैं। तो दो चीजें पढ़नी हमने, एक एक चीज है इंक्लूड और एक चीज है इंक्लूड वंस। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है ये अब आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। मैं इसे अगली चीज पढ़ाने वाला हूं, वो है रिक्वायर। एक पढ़ लिया इंक्लूड, ठीक है, और एक हमने पढ़ लिया इंक्लूड अंडरस्कोर वंस। ठीक है, इससे अगली चीज है रिक्वायर करना, फाइल को रिक्वायर करना, और उससे अगली चीज है रिक्वायर अंडरस्कोर वंस।
दो फर्क इंक्लूड और इंक्लूड अंडरस्कोर वंस में है, वही फर्क रिक्वायर और रिक्वायर अंडरस्कोर वंस के अंदर है, ठीक है। लेकिन इंक्लूड में और रिक्वायर में क्या फर्क है ये देखें हैं पहले जरा। अच्छा, अब इसमें फर्क ये है, इंक्लूड वंस कर लिया हमने, उसके बाद आगे चलते हैं जरा। अगली चीज है रिक्वायर। अभी कभी कभार क्या होता है, इंक्लूड करते हैं जब हम किसी फाइल को, हमने उस फाइल का नाम लिखा लाइब्रेरी डॉट पी एच पी, उस फाइल का नाम लिखते हुए हमसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या हमें उसका नाम याद नहीं था। लाइब्रेरी डॉट पी एच पी हमने लिखा, उसका नाम कुछ और था, लाइब्रेरी वन डॉट पी एच पी था। तो इंक्लूड ने मुझे कोई एरर मैसेज शो नहीं कराना कि बेटा तेरी फाइल इंक्लूड हो गई है या फिर नहीं हुई। उसने सिंपल जो है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देना है, चाहे वो फाइल इंक्लूड हो चाहे वो ना हो। हो सकता है मेरा ही कोई एरर हो, मैंने कोई गलत स्पेलिंग से उसको कॉल कर लिया, तो फिर वो मुझे तो यही लगेगा कि इंक्लूड हो गई है, लेकिन वो असल में क्योंकि मैंने गलत स्पेलिंग लिखे थे, उस नाम की कोई फाइल उस फोल्डर में मौजूद ही नहीं थी, तो उसने मुझे कोई एरर मैसेज भी शो नहीं कराया और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। अ पोटेंशियल प्रॉब्लम विद इंक्लूड एंड इंक्लूड वंस इज दैट पीएचपी विल ओनली अटेम्प्ट टू इंक्लूड द रिक्वेस्टेड फाइल। अब उस पीएचपी को तो जो कहना है हमने उसने वही करना है ना। मैंने गलती से अगर स्पेलिंग गलत कर दी है, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, तो प्रोग्राम ने तो एग्जीक्यूट हो जाना है, चाहे वो जो है वो फाइल इंक्लूड हुई है चाहे नहीं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कॉन्टिन्यूस इवन इफ द फाइल इज नॉट फाउंड। कहता है उसको उस फोल्डर के अंदर अगर उस नाम की कोई फाइल नहीं भी मिलेगी ना, फिर भी वो आपको बताएगा नहीं, वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। व्हेन इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू इंक्लूड अ फाइल रिक्वायर्ड, कहता है कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम पहले किसी फाइल को इंक्लूड करें और देन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, तो फिर हम क्या करते हैं उसको रिक्वायर कर लेते हैं। अब रिक्वायर क्या करता है, रिक्वायर तब तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं होने देता जब तक वो उस फाइल को रिक्वायर करना ले, जब तक उसको उस नाम की कोई फाइल वहां पे मिल ना जाए। फॉर द सेम रीजंस आई गेव फॉर यू यूजिंग इंक्लूड वंस आई रिकमेंड दैट यू जनरली स्टिक विद रिक्वायर अंडरस्कोर वंस। वो कहता है रिक्वायर और रिक्वायर वंस में वही फर्क है जो इंक्लूड और इंक्लूड वंस में था, कि हम रिपीटेडली जो है वो फाइल्स को इंक्लूड करने से बच सके, इस वजह से हम इंक्लूड वंस का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते थे। तो अब रिक्वायर और रिक्वायर वंस में भी यही फर्क है कि हम दोबारा से उसको जो है वो अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड ना कर लें, उससे बचने के लिए हम रिक्वायर अंडरस्कोर वंस का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। और इन चारों में से सबसे जो ज्यादा अच्छा है और आप कह सकते हो कि जो फायदेमंद है आपके लिए, वो है रिक्वायर अंडरस्कोर वंस। आप फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए रिक्वायर वंस का फंक्शन इस्तेमाल करोगे, तो एक तो एरर से भी बचोगे, आपको ये भी बताएगा कि वो फाइल इंक्लूड हो गई है या फिर नहीं, और ये भी बताएगा कि कहीं आप दोबारा से तो नहीं इसको इंक्लूड करने वाले। तो रिक्वायर और रिक्वायर वंस भी अब चीजें क्लियर हो गई हैं चारों, इंक्लूड इंक्लूड वंस रिक्वायर और रिक्वायर वंस। इन चारों में अगर मैं कल को आके फर्क पूछ लूं कि क्या होता है तो बता सकते हैं आप लोग। आगे चलेंगे जरा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे कोर्स की, जो मेन चीज प्रोग्रामिंग के जो कोर्स की है, वो है हमारी क्लासेस। फंक्शंस भी जारी बात है इंपॉर्टेंट है, हमने लूप्स के बारे में पढ़ा, लेकिन एक चीज होती है जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है, जिसको हमने शायद आप लोगों ने ऑलरेडी जो है वो पढ़ा हुआ होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। शायद बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, अगर कंप्यूटर साइंसेज की नॉलेज है उनको, सर रिक्वायर का फिर बता दें। रिक्वायर का मतलब ये है सिर्फ कि रिक्वायर में क्या करना है, आपको तब तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं होने देना जब तक उसको उस नाम की एग्जैक्ट फाइल मिल नहीं जाती और वो उसको इंक्लूड नहीं कर लेता, ठीक है, और आपको वो बताएगा कि वो फाइल इंक्लूड हो गई है या नहीं। तो रिक्वायर करने से हमें ये पक्का हो जाता है कि वो फाइल इंक्लूड हो गई है, फिर हम उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, इंक्लूड, पहले इंक्लूड पे चलें जी। इंक्लूड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी डॉट पी एच पी है उसके अंदर। इंक्लूड वंस, इंक्लूड के अंदर खतरा ये था कि वो फाइल दोबारा भी इंक्लूड हो की जा सकती थी, जाने अनजाने में वो दो दफा जो है वो इंक्लूड की जा सकती थी। इंक्लूड वंस ने उस खतरे को खत्म कर दिया, एक फाइल जो एक दफा इंक्लूड कर चुकी
चुके हैं वो दोबारा से इंक्लूड नहीं होगी अब, और वो आपको एरर मैसेज शो करेगा। रिक्वायर इंक्लूड के अंदर ये खतरा था कि अगर उस नाम की कोई फाइल नहीं भी मिलती थी तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता था और हमें पता नहीं होता था कि वो फाइल इंक्लूड हो गई है या नहीं। लेकिन रिक्वायर ने उस खतरे को खत्म किया और रिक्वायर ने ये कर दिया कि जब तक वो फाइल इंक्लूड हो नहीं जाती तब तक वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं होने देता। रिक्वायर वंस ने क्या किया, उस फाइल को दो दफा एग्जीक्यूट होने से, दो दफा इंक्लूड होने से बचाया, बस इतना सा काम। ठीक है, ये चीजें हैं। और ऊप की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल दैट ऑर्गेनाइजेस सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड डेटा एंड ऑब्जेक्ट्स रादर देन फंक्शन एंड लॉजिक्स। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ डेटा फील्ड दैट हैज यूनिक एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। तो इसको जरा डिटेल के अंदर हम आज पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, कैसे हम जो है उन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, क्लासेस को कैसे जो है वो लेके चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन है डिफाइन करने के लिए पीएचपी के ऑब्जेक्ट्स को। ये चीजें हैं, इनको पढ़ लें जरा और समझने की कोशिश करनी है। हम साथ साथ कोड भी करेंगे इसका, ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे, क्लासेस बना के, ठीक है, और उनको हमने कैसे मैनिपुलेट करना है ये भी देखेंगे। तो जरा दिमाग खोल के, आंखें खोल के ये देखना है। वंस यू गेट द हैंग ऑफ कंडेंसिंग रीयूजेबल बिट्स ऑफ कोड इन टू फंक्शंस, इट्स नॉट दैट ग्रेट अ लीप टू कंसिडर बंडलिंग द फंक्शंस एंड देयर डेटा इन टू ऑब्जेक्ट्स। लेट्स टेक अ सोशल नेटवर्किंग साइट दैट हैज मैनी पार्ट्स। वन हैंडल्स ऑल यूजर फंक्शंस, दैट इज कोड टू इनेबल न्यू यूजर्स टू साइन अप एंड एग्जिस्टिंग यूजर्स टू मॉडिफाई देयर डिटेल्स। लेट फेसबुक जैसे एक सोशल नेटवर्क साइट है, अब उसके ऊपर जब आपने साइन अप करना होता है तो सब लोगों से वो सेम इंफॉर्मेशन मांगता है। जैसे आप अपना फर्स्ट नेम दें, लास्ट नेम दें, ईमेल एड्रेस दें, अपना पासवर्ड लिखें, तो मैं आपको अकाउंट बनाने के लिए जो है वो जा सकता हूँ, दे सकता हूँ। इसका मतलब वो बंदा जो साइन अप कर रहा है इस सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर, वो एक ऑब्जेक्ट है और उसके लिए सेम एक कोड है जो लिख दिया गया है, और हर एक बंदे के लिए वही सेम कोड उसके सामने आता है। वो सेम कोड जो बार बार रिपीटेटिवली हर एक एंटिटी के लिए, हर एक इंस्टेंस के लिए एग्जीक्यूट होगा, उस कोड को हम क्लास के अंदर जो है वो प्लेस करते हैं। इन स्टैंडर्ड पीएचपी यू माइट क्रिएट अ फ्यू फंक्शंस टू हैंडल दिस एंड एम्बेड सम कॉल्स टू द माईएसक्यूएल डेटाबेसेस टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द यूजर्स। इमेजिन हाउ मच इजियर इट वुड बी टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट to represent the current user. To do this, you could create a class, perhaps called user. वो कहता है क्लास बनाओ, उसका नाम यूजर रख लो और उस यूजर को वो प्रॉपर्टीज जो है वो पास ऑन कर दो जो हमने उस ऑब्जेक्ट को देनी है। मतलब उस क्लास की प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि उसका कोई नाम है, उसका कोई ईमेल एड्रेस है, ठीक है, उसका कोई जो है वो पासवर्ड है। दैट वुड कंटेन ऑल द कोड रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग यूजर्स एंड ऑल द वेरिएबल्स नीडेड फॉर मैनिपुलेटिंग द डेटा विद इन द क्लास। Then, whenever you need to manipulate a user's data, you could simply create a new object with the user class. अब वो कहता है बेशक 1 लाख लोग भी हमारे जो है उस सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर साइन अप करते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल उस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहा, वो कोड हमने करके रख लिया है जो हर एक बंदे के लिए सेम उसी फंक्शनैलिटी के साथ जो है वो एग्जीक्यूट होगा। उस एक कोड के अंदर, उस एक क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस भी होंगे मौजूद और उस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स भी मौजूद होंगे। अब उन वेरिएबल्स को हम उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, जो वेरिएबल्स हैं वो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हुआ करेंगे और जो फंक्शंस हैं उनको हम यहाँ पे जो नाम देंगे वो होगा मेथड्स का, ठीक है। वेरिएबल को हम बोलेंगे कि ये इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है और फंक्शन को क्या बोलेंगे कि ये इस ऑब्जेक्ट का मेथड है, ठीक है। अच्छा, यू कुड ट्रीट दिस न्यू ऑब्जेक्ट एज इफ इट वर द एक्चुअल यूजर। फॉर एग्जांपल यू कुड पास द ऑब्जेक्ट अ नेम, कहता है उसको एक प्रॉपर्टी असाइन कर दी नाम की, एक प्रॉपर्टी उसको असाइन कर दी पासवर्ड की, एक प्रॉपर्टी उसको असाइन कर दी हमने ईमेल एड्रेस की। आस्क इट
वेदर सच अ यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो कहता है हम फाइंड आउट करेंगे कि पहले ऐसा यूजर जो है वो एग्जिस्ट तो नहीं करता, इफ नॉट अगर नहीं करता हैव इट क्रिएट अ न्यू यूजर, तो न्यू यूजर के जो क्लास का कोड था वो हमने एग्जीक्यूट कर देना विद दोज एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स? नाम, पासवर्ड और ईमेल एड्रेस। यू कुड इवन हैव एन इंस्टेंट मैसेजिंग ऑब्जेक्ट और वन ऑफ द मैनेजिंग वन फॉर मैनेजिंग वेदर टू यूजर्स आर फ्रेंड्स। ठीक है, फिर उसकी ये टर्मिनोलॉजी है, इसको जरा देख लें, वो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि ये मेथड क्या होता है और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसको देखें। व्हेन क्रिएटिंग अ प्रोग्राम टू यूज ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू डिजाइन अ कंपोजिट ऑफ डेटा एंड कोड कॉल्ड अ क्लास। क्लास क्या होती है? जब आप कोई प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स के लिए बना रहे होते हो, आपको जो है वो बहुत सारी चीजों को मिक्सअप करके, लाइक उस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हो सकते हैं, उस क्लास के अंदर आपको कुछ फंक्शंस क्रिएट करने हो सकते हैं, उन फंक्शंस के अंदर मुख्तलिफ किस्म का कोड हो सकता है, हर एक यूजर का, हर एक इंस्टेंस का, हर एक का अपना अपना फंक्शन होगा, अपनी अपने पैरामीटर्स होंगे। ईच न्यू ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन दिस क्लास इज कॉल्ड एन इंस्टेंस और अकरेंस ऑफ दैट क्लास। तो हम एक ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि ये क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है, कुछ वक्त के लिए वो ऑब्जेक्ट इस क्लास के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करेगा और सारे के सारे जो मेथड्स हैं उनको यूज करेगा। द डेटा एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स प्रॉपर्टीज। तो जो सारे के सारा डेटा है जो उस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टीज। और वो डेटा क्या होता है? वेरिएबल्स की फॉर्म में ही होता है ना। द फंक्शंस इट यूजेस आर कॉल्ड मेथड्स। तो जो फंक्शंस हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शंस आर कॉल्ड मेथड्स। तो ये दो चीजें याद रखनी है। व्हेन यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स उसके लिए इट इज बेस्ट टू यूज इनकैप्सुलेशन और राइटिंग अ क्लास इन सच अ वे दैट ओनली इट्स मेथड्स कैन बी यूज्ड टू मैनिपुलेट इट्स प्रॉपर्टीज। इन अदर वर्ड्स यू डिनाई आउटसाइड कोड डायरेक्ट एक्सेस टू डेटा। The methods you supply are known as objects interface। हम जो है वो जरा आप चलते हैं कोड करने की तरफ, क्या होता है, डिक्लेयर कैसे करते हैं क्लास को, उसके अंदर हम किस तरह चीजें बनाते हैं और कैसे उनको लेके चलते हैं वो देखते हैं। बहुत थ्योरी पढ़ ली, अब काम की तरफ आ लो। बिफोर यू कैन यूज एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट डिफाइन अ क्लास विद क्लास कीवर्ड। याद है फंक्शन का जो था वो हमने काम किया था, जब फंक्शन क्रिएट किया था तो उसके लिए हमने फंक्शन के लिए फंक्शन का कीवर्ड यूज किया था। अब क्लास है तो क्लास के लिए हम क्लास का कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, एक क्लास बनाएंगे और उसके अंदर हम जो है वो सारे का सारा जो कोड है वो क्या करेंगे, उस क्लास का कोई नाम रख लें, जैसे क्लास का नाम रख लिया यूजर। ये कलर जो है वो आप लोगों को सारी चीजें बता देंगे कि हम करने क्या वाले। क्लास डेफिनेशंस कंटेन्स द क्लास नेम। जाहिर बात है क्लास का कोई नाम होगा जो केस सेंसिटिव होगा, जैसे वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होता है। फिर उसकी उसके अंदर प्रॉपर्टीज आएंगी, प्रॉपर्टीज का मतलब उसके वेरिएबल्स होंगे एंड इट्स मेथड्स। ठीक है, मेथड्स का मतलब ये उसके फंक्शंस होंगे। एग्जाम्पल डिफाइन्स द क्लास यूजर विद टू प्रॉपर्टीज विच आर डॉलर साइन नेम एंड पासवर्ड। ठीक है जी, दो प्रॉपर्टीज हैं उसकी, यहां से पढ़ना स्टार्ट करें। इधर से एक क्लास बना रहा है वो, उसका नाम रख रहा है यूजर। अगर यूजर का यू कैपिटल है तो कैपिटल से ही आपने उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। अच्छा, उसके अंदर उसने पब्लिक टाइप का, पब्लिक का मतलब ये होता है कि वो जो वेरिएबल है उनकी टाइप क्या है, उनको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। हम वेरिएबल्स को पब्लिक प्राइवेट भी हो सकते हैं ये, ठीक है, और प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं, उनको देखेंगे बाद में। लेकिन अभी हम पब्लिक जो है वो बना रहे हैं, दो वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, डॉलर साइन नेम और डॉलर साइन पासवर्ड। ये दो वेरिएबल्स हमने इस क्लास के कोड के अंदर डिक्लेयर कर दिए, उनको अभी कोई वैल्यूज नहीं दी, आने वाले दिनों में हम उनको दे सकते हैं। और इसके अलावा एक फंक्शन बना लिया, उसका फंक्शन का कोई भी नाम रख लिया सेव यूजर के नाम से, और उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स जो थी वो एग्जीक्यूट कर दी, इसको बंद कर दिया। यहां से लेके यहां तक एक क्लास जो थी वो हमारी क्रिएट हो गई। ठीक है, अच्छा, क्लास जब क्रिएट हो गई तो अब इस क्लास को हमने एक्सेस कैसे करना है, इस क्लास को हमने जो है वो आउटपुट के अंदर कैसे शो करवाना है, इस क्लास को एग्जीक्यूट कैसे करवाना है। तो हमेशा याद रखें, किसी भी क्लास, कोई भी क्लास का कोड तब चलता है जब हम उस क्लास के लिए कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उस क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा,
उस क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सेस करेगा, जितने फंक्शंस हैं उनको एक्सेस करेगा, और ये जो कोड है ये आउटपुट के अंदर हमें शो करवाएगा। जैसे अब एक न्यू का कीवर्ड लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ये लाजमी है, बहुत लाजमी है। न्यू का कीवर्ड, जैसे फंक्शन का कीवर्ड फंक्शन बनाने के लिए, क्लास का कीवर्ड क्लास बनाने के लिए, न्यू का कीवर्ड है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करना है वो हमने न्यू के की, अब न्यू का कीवर्ड जैसे ही मिलेगा इसका मतलब ये है कि हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, और वो क्लास कौन सी है, वो है यूजर, जो कि हम यहाँ पे नीचे बना चुके हैं। ये ऊपर या नीचे जहां पे भी आप कॉल कर लें आपकी अपनी मर्जी है, जरूरी नहीं है कि आपने पहले क्लास बनानी है और फिर नीचे जो है वो आपने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, या आप ऊपर भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया फंक्शंस और क्लासेस, इनका कोड प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। जब आप एग्जीक्यूट करते हो सबसे पहले फंक्शंस और क्लासेस एग्जीक्यूट होती है। तो न्यू यूजर, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। न्यू का मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जो कि इन सारी चीजों को जाके पार्स करे, ये सारे का सारा कोड एग्जीक्यूट करे, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको जो है वो गेट करे, और फिर फंक्शंस जो है उनको एग्जीक्यूट करे। तो न्यू यूजर, जो भी रिजल्ट आए उसको किसी डॉलर साइन ऑब्जेक्ट, कोई भी नाम रख लें आप इसका, डॉलर साइन ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है इसी के अंदर रखना है, आप डॉलर साइन ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर। अब इस डॉलर साइन ऑब्जेक्ट के अंदर देखें कितनी चीजें स्टोर्ड है। सबसे पहले एक वेरिएबल है डॉलर साइन नेम का, फिर एक वेरिएबल है डॉलर साइन पासवर्ड का, फिर एक फंक्शन है सेव यूजर के नाम का। इसका मतलब ये है कि ये कोई सिंपल वेरिएबल नहीं है बल्कि ये एक अरे है, और आपको याद है कि अरे को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम ये काम जो है वो सही तरीके से, ऐसे तरीके से जो है वो पाए तकमील तक पहुंचा सके। एग्जाम्पल आल्सो यूज्ड एन इनवैल्यूएबल फंक्शन कॉल्ड प्रिंट अंडरस्कोर आर, इट आस्क्स पीएचपी टू डिस्प्ले द अंडरस्कोर आर, एक्चुअली होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर आउटपुट को शो अप करवाने के लिए। तो इट आस्क्स पीएचपी टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेरिएबल इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, अंडरस्कोर आर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रीडेबल, ठीक है। इन द केस ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट डॉलर साइन ऑब्जेक्ट इट प्रिंट्स द फॉलोइंग, वो कहता है इसकी जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी कि यूजर ऑब्जेक्ट और नेम के आगे ये और फिर ऐसा, ठीक है। ये व्यू पेज सोर्स में आप लोग जाके इसको देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे काम कर लेते हैं इसका, हम बना लेते हैं क्लास अपनी, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो कुछ कोड करके रख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक डॉलर साइन नेम कॉमा डॉलर साइन पासवर्ड, और इसको सेमीकॉलन लगा दिया। अब ये देखें जरा, ये दो वेरिएबल्स जो थे वो इसके क्रिएट हो गए। फंक्शन क्रिएट करना है क्रिएट कर लें, नहीं तो आप सिंपल इसी क्लास का जो है वो नीचे अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ डॉलर साइन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कर लें, बेशक आप इसको अपनी मर्जी से डॉलर साइन एबीसी रख लें, इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड किस लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, और किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यूजर क्लास का, ठीक है। सेमीकॉलन लगाया, और इस ये जो अब देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, लेकिन इसको प्रिंट भी तो करना है ना हमने, तो प्रिंट अंडरस्कोर आर इसको करेंगे जी डॉलर साइन एबीसी को, और इसको हम सेमीकॉलन लगा देते हैं। रिफ्रेश किया, वापस आए, ये देखें जी यूजर ऑब्जेक्ट नेम और पासवर्ड, इसको जरा व्यू पेज सोर्स के अंदर आप लोग देखेंगे तो इसकी आउटपुट जो है वो कुछ ऐसी आ जाएगी। यूजर ऑब्जेक्ट बना रहा है, यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है नेम की और एक है पासवर्ड की। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इनको हम रीयूजेबल बिट्स कह सकते हैं, इनको बार बार हम इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम इसका कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसको किसी नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, तो नेम और पासवर्ड जो है वो उसको जाके मिलेंगे, और उसको डिफरेंट किस्म की वैल्यूज जो है वो हर दफा हम दे सकते हैं। इसकी एक और अच्छी एग्जाम्पल जो है वो आप लोग यहाँ पे देख लें, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं कि कैसे क्रिएट करना है। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद अ स्पेसिफाइड क्लास यूज द न्यू कीवर्ड लाइक दिस, कि न्यू और आगे क्लास का नाम, उसको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा दो। हियर आर अ कपल ऑफ वेज इन विच वी कुड डू दिस, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ऑन द फर्स्ट लाइन वी सिंपली असाइन एन ऑब्जेक्ट टू द यूजर क्लास, इन द सेकेंड वी पास पैरामीटर्स टू द कॉल,
क्लास में रिक्वायर और प्रोहिबिट आर्गुमेंट्स, इट मे आल्सो अलाउ आर्गुमेंट्स बट नॉट रिक्वायर्ड देम। कहता हो सकता है क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए हमें उसके पैरामीटर्स देने पड़े, और कभी कभी कोई क्लास जो है वो रिक्वायर भी करती है कि बेटा जब तक आपने जो है वो देने नहीं है अपने पैरामीटर्स तब तक हम ये काम नहीं करेंगे। अच्छा ये देखें, ये यहाँ पे जो काम किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस किया जा रहा है, यहाँ पे ये जो क्लास का कोड है ये सेम वही है जो हमने पहले पढ़ा है। एक क्लास बनाई, यूजर की पब्लिक डॉलर साइन नेम डॉलर साइन पासवर्ड, फंक्शन बनाया सेव यूजर का, इको करवाया सेव यूजर कोड गोज हियर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कैसे करना है, सबसे पहले इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो डॉलर साइन ऑब्जेक्ट के अंदर हम न्यू का कीवर्ड के जरिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किस क्लास का, यूजर की क्लास का, ये यूजर की क्लास, उसको डॉलर साइन ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो स्टोर कर दिया। प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर साइन ऑब्जेक्ट और इको ब्रेक रो, ये तो सेम एज इट इज ये वाला जो आउटपुट है ये शो करवा देगा इतना काम। लेकिन अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं डॉलर साइन ऑब्जेक्ट और ये माइनस और ये ग्रेटर देन का साइन, ये जो साइन है ये किस लिए यूज होता है, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए। हम यहाँ पे ये कर रहे हैं एक्चुअली, मैं इसको जरा बड़ा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम ये कर रहे हैं कि डॉलर साइन ऑब्जेक्ट का ये जो नेम वाला आपका एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम असाइन कर रहे हैं जो, ये इक्वल टू ऑपरेटर जो है यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, जो जो है वो जाके असाइन हो जाएगा नेम के अंदर। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने वाली, एक तो ये कि ये एरो साइन ये वाला देख रहे हैं, ये डबल इक्वल टू वाला एरो साइन नहीं है। दूसरी चीज जो है वो नेम के साथ डॉलर साइन नहीं लगा हुआ, यह आपको याद रखना है। जब भी एज यू कैन सी द सिंटेक्स फॉर एक्सेसिंग एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इज डॉलर साइन ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉलर साइन किसके साथ लगाना है, डॉलर साइन ऑब्जेक्ट के साथ लगाना है। फिर उसके बाद ये आगे उसकी प्रॉपर्टी है, लाइक वाइज यू कॉल अ मेथड लाइक दिस। इसी तरह अगर आपको कोई फंक्शन कॉल करना पड़ता है जो इस क्लास के अंदर हमने क्रिएट किया था, अब जैसे ऑब्जेक्ट है उसको हमने जो दे दिया डॉलर साइन ऑब्जेक्ट का पासवर्ड जो था उसको हमने माई पास कोई भी वैल्यू दे दी, और अब हमने जब उसको प्रिंट अंडरस्कोर आर करना है ना ऑब्जेक्ट को, तो उसकी आउटपुट और होगी। इसी को हम करके देख लेते हैं जरा यहाँ पे, ये देखें जरा ये काम कर लिया हमने, इसको भी प्रिंट आउट कर लिया। मैं नीचे लिख रहा हूं डॉलर साइन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्यों लिखेंगे हम, डॉलर साइन एबीसी लिखेंगे और माइनस और फिर ये वाला साइन, फिर उसके बाद नेम, नेम के बाद इक्वल टू का साइन, फिर डबल कोट्स में जो भी हमने नाम लिखते हैं एस यू एफ आई एन, अच्छा जी सेमी कॉलन, फिर उसके बाद नीचे आते हैं डॉलर साइन एबीसी, फिर आपका जो है ये माइनस और ग्रेटर देन, फिर उसके बाद अगला हमने क्या वेरिएबल बनाया था, पासवर्ड बनाया था तो पासवर्ड लिख दिया, ठीक है, फिर इक्वल टू, फिर डबल कोट्स और उसके अंदर जो भी आपने पासवर्ड लिखना है वो पासवर्ड लिख दें, और यहां पे कर दें इसको सेमी कॉलन। तो ये करने के बाद अब मैं जब यही यही जो एग्जीक्यूशन है इसकी ये वाली, ओहो ये जो एग्जीक्यूशन है मैं यहां पे लेके आ रहा हूं, अब मैं प्रिंट अंडरस्कोर एबीसी करूंगा तो अब देखते हैं उसकी आउटपुट जो है वो क्या होती है। तो अब देखिए जरा, नेम के अंदर सुफियान स्टोर हो गया और पासवर्ड के अंदर जो है वो, इसको व्यू पेज सोर्स कर लें, ठीक है, नेम पासवर्ड, इस पासवर्ड के अंदर कुछ नहीं स्टोर्ड, वो क्यों नहीं स्टोर्ड, कोई जो है हमने ऑब्जेक्ट बनाया नेम और पासवर्ड का, ठीक है सही है, अगर इसके अंदर फंक्शन बनाना पड़ता है हमें तो फंक्शन को भी हमने इसी तरह कॉल कर, जैसे हमने अभी वो क्लास को ये को कॉल किया प्रिंट अंडरस्कोर और आगे उस ऑब्जेक्ट कर लिया, ठीक है। ठीक है इस तरह चल रहे, इस तरह आप जैसे उन्होंने किया कि पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया अंडरस्कोर ब्रेक रो लगा लिया, फिर उसके बाद नीचे वैल्यूज असाइन कर दें उसको उसके पासवर्ड को, फिर दोबारा से प्रिंट अंडरस्कोर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई काम करने वाला, इको कर लो ब्रेक रो,
वैल्यू साइन कर दी, और पासवर्ड रखनी है कि यहाँ पे आपको नेम के साथ डॉलर साइन लगाने की पासवर्ड डॉलर साइन की जरूरत नहीं है। नहीं जी, जो वो इस तरह बात क्रिएट कर इसके अंदर, ये जैसे इन्होंने फंक्शन क्रिएट किया है, और सेम इसी तरह जो है वो हम इसके अंदर काम करके, मैं क्लास के ये पासवर्ड एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ये पासवर्ड ये देखो जरा, इसके पासवर्ड और है, इसका जो आर इसके अंदर हमने नहीं, जैसे ये पासवर्ड है इसकी स्पेलिंग और है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक, वो नेम की जो है वो थोड़ी सी गलती थी, यहाँ पे हमने कोई और पासवर्ड उसको कोई वैल्यू साइन की थी, इसलिए उसकी वैल्यू जो थी वो खाली आ रही थी। अब वो उसने ये किया कि उसी वैल्यू को पिक किया, स्टोर करवा दिया, क्योंकि मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, पासवर्ड पासवर्ड मिस्टेक, हमें दो चीजें दिखा रहा था, अब नेम के अंदर जाने और पासवर्ड के अंदर ये है। ले जी, आगे चलते हैं अब, और एक क्रिएट कर लेते हैं इधर। यूजर क्लास के अंदर हमने फंक्शन, उसके उसको कोई भी नाम दे दें, जैसे उन्होंने नाम दिया सेव अंडरस्कोर यूजर, उसको हमने जो है वो पैरेंथेसिस दी, और ये उसके ब्रैकेट्स आ गए, उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट्स लिख लें, कोई भी मतलब हमने लिख लिया जिससे जो यूजर को सेव करने वाला कोड है वो आप लिखना है, सेव यूजर कोड, यहाँ पे जो भी आपका कोड होगा वो यहाँ पे आपने लिख देना है। ठीक है, अब उसको भी अगर आपने कॉल करना है तो उसको देखें उसी तरीके करें जैसे आप किसी वेरिएबल को कॉल करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपने उसको कॉल करना, क्योंकि डायरेक्टली आप इसको कॉल करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये किसी क्लास का हिस्सा है, ये फंक्शन जो है डॉलर साइन के बाद करने, यहाँ पे करने की बात है डॉलर साइन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो करेंगे एबीसी करेंगे, फिर उसका एरो साइन, और उसके बाद उसके फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या था, सेव यूजर, ब्रैकेट्स डाली, सेमी कॉलन लिखा, और यहाँ पे वो इको स्टेटमेंट भी प्रिंट आउट अगर करनी हो हमने उसके लिए ये। ठीक है, तो ये सेव यूजर कोड जो है वो यहाँ पे आ गया, ब्रेक रोल वगैरह आप लोग लगा सकते हैं आपकी अपनी मर्जी। और कोई चीज पूछने वाली है तो आप लोग पूछ लें। क्लासेस को क्रिएट करना और उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को जो है वो उसके इंस्टेंसेस को क्रिएट करना जो है वो आ गया। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का कीवर्ड है, उसके बाद यूजर है, उसकी उसका नाम है, कोई भी नाम हो सकता है, उसके बाद आपने उसके कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो आप उस क्लास के अंदर क्रिएट करके उनके नए नए बना सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको, और चीजें हैं क्लासेस के अंदर जो हम अभी और पढ़ सकते हैं। एक्सेस कर लिया हमने ऑब्जेक्ट्स को, उससे आगे क्या, यू शुड नोट दैट द एग्जाम्पल प्रॉपर्टी एंड मेथड डू नॉट हैव डॉलर साइंस इन फ्रंट ऑफ देम, इफ यू वर टू प्रीफेस देम विद डॉलर साइंस द कोड वुड नॉट वर्क एज इट वुड ट्राई टू रेफरेंस द वैल्यू इनसाइड अ वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन डॉलर साइन और फिर उसके आगे प्रॉपर्टी के साथ डॉलर साइन लिख दिया, वुड अटेम्प्ट टू लुक अप द वैल्यू असाइंड टू द वेरिएबल नेम्ड डॉलर साइन प्रॉपर्टी। अब ऐसा तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, लेट से द वैल्यू इज द स्ट्रिंग ब्राउन एंड देन अटेम्प्ट टू रेफरेंस द प्रॉपर्टी डॉलर साइन ऑब्जेक्ट और देन ब्राउन, इफ डॉलर साइन प्रॉपर्टी इज अनडिफाइंड एन अटेम्प्ट टू रेफरेंस डॉलर साइन ऑब्जेक्ट और नल वुड अकर एंड कॉज एन एरर। वो कहता है करके देख लो, पंगे लेने हैं ले लो, नेम के साथ भी आप तुम डॉलर साइन लगा लो और पासवर्ड के साथ भी तुम डॉलर साइन लगा लोगे तो क्या होगा देखते हैं। चलो, तो वो आपको जो है वो अनडिफाइंड वेरिएबल, वो कहेगा कि ये जो नेम है ये हमारा अनडिफाइंड है, इसको तुमने कभी बनाया ही नहीं है और तुम इसको जो है वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, कैन नॉट एक्सेस एम्प्टी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम जो है इसको प्रॉपर्टी के साथ डॉलर साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया उसको उसके साथ हम लगा सकते हैं। तो नेम जो है यहाँ पे हमारी क्लास की प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है।
When looked at using a browser's view page source facility, the output from the example is as follows. देख लेते हैं जी, इसको view page source करके तो देखिए जी, यही ऑब्जेक्ट है जी उसका, यूजर ऑब्जेक्ट नेम पासवर्ड यहाँ पे खाली है क्योंकि हमने प्रिंट अंडरस्कोर आर ऐसे ही कर लिया था, फिर वैल्यूज असाइन की और लास्ट पे हमने उसका जो कोड था उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। ले जी, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, क्लोनिंग, ऑब्जेक्ट्स को क्लोन कैसे करना है, ये एक अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा देख लें फिर उसके बाद एंड करते हैं इसको। वंस यू हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट इट इज पास्ड बाय रेफरेंस व्हेन यू पास इट एज अ पैरामीटर इन द मैच बॉक्स मेटाफॉर दिस इज लाइक कीपिंग सेवरल थ्रेड्स अटैच टू एन ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन अ मैच बॉक्स सो दैट यू कैन फॉलो एन अटैच्ड थ्रेड टू एक्सेस इट इन अदर वर्ड्स मेकिंग ऑब्जेक्ट असाइनमेंट्स डज नॉट कॉपी objects in their entirety. You will see how this works in this example when we define a very simple user class with no methods and only the property name. वो कहता है एक छोटी सी क्लास बनाई है यूजर की, ये देख रहे हैं यहाँ पे, और पब्लिक अंडरस्कोर पब्लिक डॉलर साइन नेम उसका एक वेरिएबल है, एक प्रॉपर्टी कह लें उसको, वेरिएबल कह लें। अब उसको मैंने कॉल करना है, न्यू न्यू के नाम से उसको कॉल करूंगा, यूजर उसका जो है वो सारी बात है क्लास होगी और उसकी जो भी वैल्यू है वो मैंने डॉलर साइन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा दी। अब डॉलर साइन ऑब्जेक्ट की जो नेम की प्रॉपर्टी थी उसको मैंने एक्सेस किया और उसके अंदर मैंने एलाइस जो था वो स्टोर करवा दिया। ठीक है जी, अब नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एलाइस पड़ा हुआ है। अगले ही स्टेप के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट वन को स्टोर करवा दिया डॉलर साइन ऑब्जेक्ट टू के अंदर और उस डॉलर साइन ऑब्जेक्ट टू के नेम के अंदर मैंने एम ई स्टोर करवा, पिछले में क्या था एलाइस, इसमें क्या है एम ई, और अब मैं इको कर रहा हूं ऑब्जेक्ट वन का जो नेम है और ये एज इट इज जो है वो प्रिंट आउट हो जाएगा क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है, उसको कॉन्कैट कर रहा है वो डॉलर साइन ऑब्जेक्ट के नेम को यहां पे प्रिंट आउट करने की कोशिश कर रहा है ऑब्जेक्ट वन के, और ब्रेक रो नीचे ऑब्जेक्ट टू के नेम को ये चेक करने के लिए कि क्या ऑब्जेक्ट टू के अंदर जो चीज नई स्टोर करवाई है वो एम ई है और क्या एम ई ने इस एलाइज को जाके ओवरराइड तो नहीं कर दिया। तो ये छोटा सा कोड है, हम इसको करके देखते हैं, जरा इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो मैं जरा इसको ट्राई कर रहा हूँ और यहाँ पे हम जो है वो एक क्लास बना रहे हैं, उसका नाम जो है वो अपनी मर्जी से कुछ रख लें, एबीसी रख लिया, ये उसका कोड है जिसके अंदर हम एक पब्लिक टाइप का डॉलर साइन नेम जो है वो बना रहे हैं। लो जी, क्लास का नाम आप यूजर रख लें, जो मर्जी रख लें, आपकी अपनी मर्जी है, एबीसी रख लो, हेलो यूजर ही रख लो। अच्छा, एक क्लास बन गई पब्लिक नेम के नाम से। अब हमने क्या करना है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू के कीवर्ड से यूजर एंड किया, फिर उसके बाद हमने इसको असाइन कर देना है डॉलर साइन ऑब्जेक्ट वन के अंदर। लो जी, कि एक जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब उस ऑब्जेक्ट वन के जो नेम वाली प्रॉपर्टी है डॉलर साइन ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट वन की जो नेम वाली प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करना है मैंने और उस उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू असाइन करनी है। लेट सपोज एलाइस, ये मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दिया और इसको मैंने सेमी कॉलन लगा के बंद कर दिया। अब इसके बाद आगे क्या कर रहे हैं, आगे ये कर रहा है वो कि इसको करने के बाद एलाइस स्टोर करवाने के बाद ऑब्जेक्ट वन को वो पास ऑन कर रहा है टू द ऑब्जेक्ट टू, तो डॉलर साइन ऑब्जेक्ट टू इज इक्वल टू डॉलर साइन ऑब्जेक्ट वन सेमी कॉलन। अब ये जो डॉलर साइन ऑब्जेक्ट टू है इसके अंदर वो वैल्यू को चेंज कर देगा, डॉलर साइन ऑब्जेक्ट टू के अंदर वैल्यू को चेंज कर देगा। डॉलर साइन ऑब्जेक्ट टू की जो नेम वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके अंदर तुमने अब जो है वो क्या स्टोर करवाना है, एम ई। लो जी, ठीक है, हेलो, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये किया कि जब स्टोर करवा दिया उसको, तो मैं अब अगर डायरेक्टली इको करवाना चाह रहा हूं, इको मैं क्या करवाऊंगा कि जी
ये जो है ऑब्जेक्ट वन का जो नेम है ये इको करवाओ, उसके बाद यहाँ पे इसको इको करवा देना। कि हम ये जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट वन के अंदर क्या पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट वन नेम जो है उसको मैं कॉनकैट कर रहा हूँ डॉलर साइन ऑब्जेक्ट वन के अपना नेम के साथ। यहाँ पे जो नेम है वो मेरा आके एज इट इज आउटपुट के अंदर मुझे मिल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई इसके साथ कोई आपने बी आर का टैग जो है वो कॉनकैट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। एक को दो के इक्वल क्यों किया सर? बोथ में तो डिफरेंस नेम, पता नहीं क्या लिखा है आपने। बस मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं पास ऑन करना चाह रहा हूं इसकी वैल्यू को ऑब्जेक्ट टू के अंदर, और फिर देन ऑब्जेक्ट टू को कोई और नई वैल्यू दे के ये देखना चाह रहा हूं कि ये एमवी ने एलाइज को तो नहीं ओवरराइड कर दिया, ठीक है। अभी ये इतना सा काम है ना, इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं जरा, और मैं इसको ऑब्जेक्ट टू बोल देता हूँ, और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट टू को जो है वो आउटपुट के अंदर शो करवा रहे हैं। देखें जी, अब ये कोड है मेरे सामने, और इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है अगर किसी को तो वो मुझे बताएं, और मुझे ये बताएं कि ये कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं। इसके अंदर कोई एरर है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर ये फलां जगह पे से जो है वो मुझे लग रहा है कि ये मसला करेगा, तो कोई एग्जीक्यूशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है तो आप लोग बताएं। सबसे पहले हमने क्या किया है, यूजर की क्लास बनाई है नेम की, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट वन, उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसने नेम को एक्सेस किया, उसके अंदर एलाइज स्टोर करवा दिया। अब ऑब्जेक्ट वन को हमने पास ऑन कर दिया ऑब्जेक्ट टू में, तो ऑब्जेक्ट टू के कदारी बात है नेम भी पास ऑन हुआ होगा, उसने नेम के अंदर एमी स्टोर करवा दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट टू के नेम के अंदर क्या पड़ा है और ऑब्जेक्ट वन के नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको जरा रिफ्रेश करके एग्जीक्यूट करते हैं, पिछला कोड डाई कर दिया, कर दिया लॉज। ऑब्जेक्ट वन के नेम के अंदर पड़ा है एमी और ऑब्जेक्ट टू के नेम के अंदर भी पड़ा हुआ है एमी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमने इक्वल रखा था हेरा, वो जो आपकी बात है कि ऑब्जेक्ट वन को जब हमने असाइन किया था ऑब्जेक्ट टू के अंदर, तो इस ऑब्जेक्ट टू के पास एक्सेस अपने नेम की थी और इसके नाम की भी थी। अब ऑब्जेक्ट टू जब चाहे इस नाम को जो है वो एग्जीक्यूट करे, इसके अंदर जो मर्जी वैल्यू स्टोर करवा दे एमई, तो ऑब्जेक्ट वन के अंदर भी ऑटोमेटिकली वो एलाइज जो है वो चेंज हो जाएगा एमई के अंदर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमने ये जो ये चीजें की हैं, अगर मैं इसके साथ एक छोटा सा वर्ड लगा देता क्लोन का, टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन यू कैन यूज द क्लोन ऑपरेटर विच क्रिएट्स अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड कॉपीज द प्रॉपर्टी वैल्यू फ्रॉम द ओरिजिनल इंस्टेंस टू द न्यू इंस्टेंस, द आउटपुट फ्रॉम दिस कोड इज व्हाट वी इनिशियली वांटेड। हम तो ये चाह रहे थे कि भाई ऑब्जेक्ट वन के अंदर तो एलआईसी रहता, ऑब्जेक्ट टू अपनी मर्जी से जो चेंज करना चाहता है कर ले। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑब्जेक्ट टू को असाइन करते हुए ना, मैं एक कीवर्ड लिखता हूँ क्लोन का। जैसे ही मैंने इसको क्लोन किया तो क्लोन का मतलब ये होगा कि ये इसकी एक कॉपी बना के नेम की ऑब्जेक्ट टू को देगा, पुरानी जो है वो वैसी की वैसी ही रहेगी और उस कॉपी के अंदर ये ऑब्जेक्ट टू जैसे चाहे चेंजिंग कर ले, लेकिन पुरानी जो है वो चीज ओवरराइड नहीं होगी। रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें ऑब्जेक्ट वन के अंदर एलआईसी पड़ा है, ऑब्जेक्ट टू ने अपनी जो नाम था उसको उसने एग्जीक्यूट करके एमई रख लिया। तो ये वही डिफरेंस है जो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के अंदर था, ठीक है। ये वही डिफरेंस हमारा फंक्शंस के अंदर क्लासेस के अंदर भी निकल के सामने आ गया है कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्लोन लिखे बगैर जो है उसकी एक्सेस दे देते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट टू के पास अब जो है वो एक्चुअली एक ही नेम है, ठीक है, वो एक ही डॉलर साइन नेम है। उसी डॉलर साइन नेम के अंदर वो जो चाहेगा लिख देगा, एमई जो है वो एलाइज को जाके ओवरराइड करेगी और ये जो ऑब्जेक्ट वन का नेम था वो भी एमई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टू का नेम भी एमई हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने क्लोन किया, क्लोन का मतलब क्या होता है, कॉपी बनाना, उसका आइडेंटिकल क्रिएट करना, तो क्लोन ने क्या करना है, एक नया इंस्टेंस क्रिएट करना है और नए इंस्टेंस के अंदर
एक नया वेरिएबल भी क्रिएट होगा नेम के नाम का, और उस नेम के अंदर अब जो चाहो तुम स्टोर करवा लो, लेकिन पुराना जो इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है उसके अंदर पुरानी और इनिशियल वैल्यू ही हमें मिलेगी, और इस वजह से ऑब्जेक्ट वन जो है वो LIC रहेगा और ऑब्जेक्ट टू जो है वो उसको हम जो चाहेंगे वो चेंज करते रहेंगे। ये होती है जी क्लोनिंग, ऑब्जेक्ट्स को क्लोन करना, पास ऑन करना फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जब हम ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर पास ऑन करते हैं, तो वो उसके सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, जो सारी मेथड्स हैं, उनको भी एक्सेस करता है। लेकिन अगर हम क्लोन बनाएंगे तो फिर वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा बिल्कुल ब्लैंक, और उसके अंदर हम जो चीजें चाहें स्टोर करवा सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई मसला है तो आप लोग बता दें मुझे, मैं दोबारा से रिपीट करने के लिए तैयार हूं, उसको हम दोबारा से देख लेते हैं। इज दैट क्लियर यहां तक सब लोगों को? कोई मुश्किल है तो आप लोग बता दें, अभी भी हमारे पास 4-5 मिनट हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको बारहा यूज करेंगे जब आप PHP प्रोग्राम लिख रहे हो। कोड आपके सामने है, खुद से करके देखना है, खुद से करके देख लें। ये इतना सा कोड है सिंपल, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, शेख साहब पूछ रहे हैं ये यूज क्यों किया जाता है। शेख साहब मैंने क्लास के स्टार्ट में पहले इसका सारा यूजेज ही पहले समझाया है, फिर उसके बाद हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अगर लेक्चर को रिपीट करके देखोगे तो वो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उसकी, कि हमने ऑब्जेक्ट्स क्यों क्रिएट करते हैं, क्लासेस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, सोशल नेटवर्किंग साइट की हमने उसके अंदर एग्जाम्पल पढ़ी कि हमने एक ही कोड को बार बार मुख्तलिफ लोगों के लिए एग्जीक्यूट करना होता है, जैसे इंस्टेंसेस क्रिएट करने होते हैं ताकि वो इंस्टेंसेस जो है सेम प्रॉपर्टीज को और सेम मेथड्स को बार बार एक्सेस कर सकें, तो फिर हम उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लासेस रीयूजेबल कोड होता है, और उसको हम रीयूजेबल कोड को बार बार मुख्तलिफ इंस्टेंसेस के लिए उनको एक्सेस दे के, कुछ देर के लिए उन प्रॉपर्टीज की, उन मेथड्स की एक्सेस दे के हम उनसे अपनी मर्जी से फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवा सकते हैं। इसको जरा स्टार्ट से देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं रिपीट कर देता हूँ जी, दोबारा से देख लें एक दफा, आखिरी दफा चीजों को समझ लें। क्लास बनाई यूजर के नाम की और पब्लिक अंडरस्कोर नेम और डॉलर साइन नेम, एक सिंपल एक वेरिएबल बना दिया। ये वेरिएबल इस क्लास की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी हर उस ऑब्जेक्ट को पास ऑन कर दी जाएगी जब हम इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो। ठीक है, जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसकी ऑलरेडी बिल्ट इन एक प्रॉपर्टी होगी और वो प्रॉपर्टी होगी नेम। ठीक है, अच्छा, अब न्यू का कीवर्ड किस लिए यूज होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? वो है यूजर। अब वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसका मतलब उसके अंदर वाला सारा कोड एग्जीक्यूट होना है, और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मेथड्स हैं, जो सारे का सारा कोड है वो हमने डॉलर साइन ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट वन के अंदर स्टोर करवा देना। अब उस डॉलर साइन ऑब्जेक्ट के अंदर जब स्टोर करवाया तो उसको विरसे में क्या मिला? डॉलर साइन नेम। अब वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे इसको यूज करे, डॉलर साइन नेम के अंदर वो जैसे चाहे कोई वैल्यू स्टोर करवाए। अब हमने क्या किया, डॉलर साइन ऑब्जेक्ट वन के नेम वाली प्रॉपर्टी को असाइन जो है वो एक्सेस करके उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा दी, वो थी एलाइस। ठीक है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, कर सकता है, ऑब्जेक्ट है। अब वो उसकी जो है वो मिल्कियत है, उसके अंदर वो नेम के अंदर जो मर्जी स्टोर करवाए वो उसकी प्रॉपर्टी है। उससे ही अगले लम्हे हमने क्या किया कि ये जो ऑब्जेक्ट वन की जो भी इनपुट आउटपुट जो भी था, अब अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट वन के अंदर जो भी है उसको हमने उठाया, और ऑब्जेक्ट, इसको हम क्लोनिंग बोलते हैं। क्लोनिंग का मतलब असाइनमेंट बोलते हैं, असाइनमेंट ही होती है ना ये, सिंगल इक्वल टू। ऑब्जेक्ट वन को एज इट इज स्टोर करवा दिया ऑब्जेक्ट टू के अंदर। अब इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट टू इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है, और ऑब्जेक्ट टू जब चाहे नेम को एक्सेस करे और उसके अंदर एम ई लिख दे। अब वो जो एम ई लिखा है ऑब्जेक्ट टू ने, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट वन को इसको असाइन कर चुके थे, इस वजह से ऑब्जेक्ट टू ने जब एम ई लिखा तो दरी बात है सेम नेम है, ये नेम और ये नेम एक ही चीज है,
इसके अंदर एम ई लिखोगे, उसके अंदर नेम के अंदर ऑलरेडी क्या पड़ा था, एलाइस पड़ा था, तो एम ई ने जाके उसको ओवरराइट कर दिया और यहां तक जो आउटपुट हमारे पास आई वो आ गई ये ठीक है। एम ई ऑब्जेक्ट वन के अंदर भी एम ई पड़ा है और ऑब्जेक्ट टू के अंदर भी। इसका मतलब ये पास बाय रेफरेंस हो गया कि उसने उसकी लोकेशन के ऊपर जाके उसकी वैल्यू को ही ओवरराइड कर दिया। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि ऐसा ना हो, मैं ये चाहता हूं ऑब्जेक्ट वन जब हम इसको असाइन करें ऑब्जेक्ट टू के अंदर, तो ऑब्जेक्ट टू एक्चुअली एक नया इंस्टेंस हो, एक नया ऑब्जेक्ट हो जो दोबारा से नेम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करे। जो पुरानी नेम की प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट वन ने एक्सेस की थी उसके अंदर एलाइज पड़ा रहने थे और अपना नेम एक प्रॉपर्टी जो है वो बनाए उसकी और उस प्रॉपर्टी के अंदर वो जो चाहे एक्सेस कर दे, लिख दे और असाइन कर दे उसको। तो मैं क्लोन का कीवर्ड लिखता हूँ। क्लोन का कीवर्ड क्या करेगा, ऑब्जेक्ट टू के नाम का एक नया इंस्टेंस बनाएगा और उस नए इंस्टेंस के अंदर जो अपनी मर्जी से कोई वैल्यू अगर वो असाइन करना चाहता है उसको, तो वो असाइन कर देगा। और ये चीजें यहाँ पे आके आप देखें, ऑब्जेक्ट वन के अंदर एलआईसी पड़ा है और ऑब्जेक्ट टू के अंदर जो है वो एम ई स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये मैंने इको करवा दिया दोनों को अलग अलग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन को और यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू को। ठीक है जी, अब क्लियर है सब लोगों को, एक दफा कंफर्म कर दें फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह कल को हाजिर होंगे डेटाबेसेस के साथ। आज पीएचपी यहाँ पे एंड हो गई है, दो लेक्चर्स हमारे बाकी हैं, उसके अंदर हमने डेटाबेसेस को डिस्कस करना है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो भी फाइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फाइबर के ऊपर बहुत सारी सर्विसेज आप लोग डेटाबेसेस की दे सकते हैं, तो उसको भी हमने, उसके लिए भी थोड़ा सा तैयार होके आना है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, चले जी, शुक्र है, ओके। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। यार अपनी अर्निंग्स जो है वो लाजमी मुझे सेंड कर दिया करें। सर क्लास यूजर की जगह और कुछ यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, आपने अपनी मर्जी से, जैसे फंक्शन का नाम रखा था ना, आपने अपनी मर्जी से रखना है यहाँ पे इसका नाम भी। ठीक है, आप इसका नाम एबीसी रख लो, एबीसी, ठीक है इसका, तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट भी फिर एबीसी का ही क्रिएट करना है, और तो नहीं कहीं यूज हो रहा यूजर। चलो बस यही काम, अपनी मर्जी से नाम रखना है, अपनी मर्जी से क्लासेस बनानी है, अपनी मर्जी से फंक्शन का नाम रखना है। आपने ईच एंड एवरीथिंग आपकी अपनी मर्जी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ये नामों में कुछ नहीं रखा, ठीक है, कामों में सारा कुछ रखा है। हाँ मैसेज कर दें सर ना मुझे, मैं इंशाल्लाह अभी रिप्लाई कर देता हूँ। तो अर्निंग्स, जो जो लोग अर्निंग कर रहे हैं आज मुझे अर्निंग सेंड करेंगे। मैं आज बैठ रहा हूँ ये क्लास के बाद, मैं आधा पौना घंटा दो घंटे जो है वो इसको दूंगा और आप लोगों की अर्निंग्स जो है वो कंपाइल करके मुझे हेड ऑफिस सेंड करनी है। तो अभी आज जो है आप लोगों ने मुझे, सारों ने अपनी अपनी अर्निंग्स के स्क्रीनशॉट, चाहे आपने कोई डायरेक्ट प्रोजेक्ट किया है, चाहे आपने फाइवर से कोई क्लाइंट जो है वो लिया है, तो अभी तक जितनी अर्निंग्स आप लोग कर चुके हैं वो मुझे सेंड करेंगे ताकि मैं उसको कंपाइल करूँ और हेड ऑफिस को रिपोर्ट कर सकूँ। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।